अपनी इस महाविद्या के उस वाले रूप में आ गए हैं कि काली से कमला तक, काली से कमला तक। तो इस रूप में हम देखते हुए माँ के इस रूप को देखते हैं, शी इज द फॉर्म ऑफ कमला। नाउ द फॉर्म ऑफ कमला, द कमला मीन्स गॉडेस एनर्जीज। ये महाविद्या हमें चारों तरफ वो सफेद हाथी, इनके ऊपर वो अमृत वर्षा कर रहे हैं एंड वो बैठी नहीं है, उनके दोनों हाथों में अब कमल के फूल हैं, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, और वो वर मुद्रा अभय मुद्रा एक हाथ में, दोनों हाथों में वो दे रही हैं। तो इस मीनिंग को हम समझते हैं, और एक बहुत ही दिव्य शक्तियों के द्वारा जो भी ये ज्ञान हमें दिया जा रहा है उसको हम ग्रहण करते हैं। शी इज सिटिंग ऑन लोटस फ्लावर, जैसे कमला है। तो कहते हैं इसको इसको इस महाविद्या को ये भागवत में आठवें स्कंद में इनके उद्भव की कथा आती है कि ये कैसे हुई। इनका समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरों के बीच में जब युद्ध हो रहा था तब ये प्रकट होती हैं, और इन्होंने भगवान विष्णु को ही पति रूप में वरण किया था। तुम समझ रहे होंगे ये कौन है। महाविद्याओं में ये दसवें स्थान पर है, और भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं, भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं, और इनको ये एक रूप में प्राकृतिक संपत्तियों को देने वाली हैं, दूसरे रूप में ये सच्चिदानंदमय लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी हैं जो देती हैं आपको। और जो ये चार हाथी हैं, ये महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति बिल्कुल सुनहरे सोने के रंग की तरह है। ये अपने दोनों जो चार हाथी हैं, सफ़ेद रंग के हाथी हैं, वो इन्हें स्नान करवा रहे हैं, इनको इनका वो कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, जैसे इन्हें कर रहे हैं, और इनके दो भुजाओं में वर हैं, ये दोनों हाथों से वर दे रही हैं, और इनके कमल पुष्प हैं, और एक ये स्मृति की प्रतीक हैं, ये महाविद्या की प्रतीक हैं, ये स्थिरता की प्रतीक हैं, ये स्थिर लक्ष्मी की प्रतीक हैं कि लक्ष्मी स्थिर फॉर्म में है, और इनको इन इसी फॉर्म को कमला को लक्ष्मी और शोषणी भी कहा गया है। इनका नाम अलग अलग लोगों ने जब इनकी आराधना की है तो अलग अलग इनके नाम पड़े हैं, ठीक है। इनको भार्गवों द्वारा पूजी गई है तो भार्गवी भी कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने इनके लिए कनक धारा स्रोत लिखा, श्री सूक्त का पाठ लिखा, अलग अलग इनके द्वारा रचनाएं हुई हैं। वाराही तंत्र में सबने इनको पूजा, ब्रह्मा विष्णु शिव ने पूजा, इसलिए इनका नाम त्रिपुरा भी नाम रखा गया, और ये अलग अलग रूपों में इस शक्ति को देखा गया है। कहीं कहीं जगह इनको शिव की भार्या भी कहा गया है, इसलिए इन्हें त्रिपुरा कहा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग इनका जिक्र करते हुए किस तरह से माँ कमला इनका रिप्रेजेंट करती है। ये माँ कमला स्वयं कहती हैं कि मैं सारे कार्य मैं करती हूँ, निर्दोष परमात्मा नारायण के सारे कार्य मैं करती हूँ। काली से कमला तक की 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि को बताती हैं, गति को सताती हैं, स्थिति को बताती हैं, सृष्टि के विस्तार को बताती हैं, सृष्टि के पोषण को बताती हैं, भरण को बताती हैं, नियंत्रण को बताती हैं, जन्म को बताती हैं, जन्म को बताती हैं, मरण को बताती हैं, उन्नति को बताती हैं, अवनति को बताती हैं, बंधन को बताती हैं, मोक्ष को बताती हैं। ये सब कुछ होते हुए भी केवल परमात्मा की वो शक्ति है, वो शक्ति जो 10 महाविद्याओं के रूप में है, और जिनका हम अब लास्ट में वी कैन इमेजिन, इफ वी हैव सीन दिस फोटोग्राफ एनी वेयर वी हैव सीन द फोटोग्राफ, दिस रिप्रेजेंट्स द काली से कमला तक 10 रूप, 10 महाविद्या। सो ये हमको अपने सारे रूपों में ऐसे करके रिप्रेजेंट भी करती है। सो इसके साथ ही माँ को आके इस ज्ञान को जो भी इन्होंने हमें दिया, मैं शीज होल्डिंग इन द 10 फॉर्म्स ऑफ, एंड उनके आप पैर भी देखोगे 10 रूपों में है, मतलब वो अलग 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 उसमें करके, इसको 10 महाविद्या कहा गया है। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
और उस परम शक्ति का धन्यवाद करती हूँ जिस परम शक्ति ने इतने इस 10 महाविद्या को, जिसको जिसके बारे में हम सुना करते थे, सुना भी कोई कोई करता था, सुना भी नहीं करते थे, सुना करते थे, नहीं सुना करते थे, कम सुना करते थे, जानते नहीं थे, जानते थे, आज हमारे लिए, हम ध्यानियों के लिए, माय सोल सिस्टर्स के लिए, हमारे अपने लिए, हमने उन शक्तियों का जो ब्रह्मांड को चलाती है, जो ब्रह्मांड का पालन पोषण करती है, जो संसार की विलय में, संसार की सृष्टि के आरंभ में, अलग अलग युगों पे, अलग अलग मनवंत्रों के, अलग अलग कल्पों के बीतने पर भी सदा रहती हैं, जो कभी प्रकट होती हैं, जो कभी प्रकट होती हैं कारण आने पर, कभी किसी नाम से जानी जाती है, कभी किसी नाम से जानी जाती है। ये 10 महाविद्याएं हमें ज्ञान देती हैं, ये विद्याएं हमें बहुत कुछ बताती हैं, ये विद्याएं हमारी अपनी स्थिति, हमारी ज्ञान की स्थिति, हमारी अपनी स्थिति हमें उसका इशारा करती है, वेयर आर यू। यदि ये पूरा ब्रह्मांड की वो ईश्वरी शक्ति एक है, पर है वो शक्ति एक है, और हम सब में वही शक्ति है, हम सब में वही शक्ति है, हम उस शक्ति से ही मिलकर बने हैं, हम उससे अलग हो ही नहीं सकते। सब अपनी आंखें पल भर के लिए बंद कर लो। हमने जो भी ज्ञान सुना, जो भी 10 महाविद्याओं के विषय में हम मेरे कानों ने सुना, मेरे भीतर गया, मैंने ग्रहण किया, उनके जो भी अर्थ, उन विद्याओं का जो भी मतलब मेरे लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, मैं उनको अपनी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करने को तैयार हूं। मैंने ग्रहण कर लिया है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे अवचेतन मन में वो एक्नॉलेज हो चुका है। उस साध्य शक्ति को, उस परम शक्ति को, इन 10 विद्याओं को अपने हाथ छोड़कर नमन करते हुए Thank you so much, my dear friends. Now you can open your eyes.